स्टार्टअप कॉन्क्लेव तथा किसान सम्मेलन के रूप में नई दिल्ली में मनाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जल्दी ही करने वाले हैं। और उस आज ही के दिन वह किसान सम्मान निधि, जिसके तहत हर किसान को 6000 रुपये सालाना भेजे जाते हैं, उसकी 12वीं किस्त भी आज ही वह रिलीज करेंगे, जो कि किसानों के लिए दिवाली का बड़ा तोहफा होगा। हमारे साथ जो मिलर्स और जो हमारे इंडस्ट्रीज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, सर्वेश्वर से हैं या चाहे आशा राइस मिल से हैं, सर आपका भी स्वागत करता हूँ। हमारे एक्स्ट आत्मा के डायरेक्टर हैं अशोक गुप्ता जी, अपीडा से हमारे साथ जितने भी हमारे कोलीग्स हैं, आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। साथ ही मैं स्वागत करता हूँ हमारे जितने भी मीडिया पर्सन्स हैं, जो हमेशा हमारे साथ किसी भी कार्यक्रम को एक स्वरूप देने में कामयाब रहते हैं, आप सबका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। मेरे साथ मेरी टीम जुड़ी हुई है सर, कृषि विज्ञान केंद्र की, जिसमें साइंटिस्ट हैं डॉक्टर रवनीत हैं, डॉक्टर शीतल हैं, डॉक्टर प्रेम हैं, डॉक्टर मनीश्वर हैं, डॉक्टर अमितेश हैं, साथ ही आशीष जी हैं। कुछ हमारा स्टाफ जो है फार्मर्स को लेकर सर दिल्ली गया हुआ है, इसी कार्यक्रम में जुड़ा हुआ है। उन सब की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से मैं आप सबका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बासमती के लिए, क्योंकि यहाँ कई राइस मिलर भी हैं, ट्रेडर भी हैं और बहुत सारे किसान हैं, मुझे उम्मीद है FPO भी यहाँ जरूर। तो अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से चाहते हैं कि किसानों को हम आगे कैसे बढ़ाएं, उसके लिए उनका संगठित होना जरूरी है। तो जो FPO हैं उनको हम क्या मदद कर सकते हैं, कैसे वो अपने उत्पाद को सीधे निर्यात कर सकें, उसके लिए भी एक अभियान चलाया हुआ है। तो जितने भी FPO हैं या हमारी जो एजेंसीज हैं जो FPOs को प्रमोट कर रही हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, एक तरफ हम पूरी ताकत लगाए हैं कि FPO हमारे एक्सपोर्ट करें, लेकिन उनके पास ना IEC है ना RCMC है, ये दो सर्टिफिकेट एक तरह के लाइसेंस मान लीजिए। यदि आपको एक्सपोर्टर बनना है तो आपको IEC लेना होता है, जो DGFT की साइट पर आप अप्लाई करेंगे, 500 रुपये फीस है वो ले लेंगे। ये संजोग है, ऐसा संजोग रोज रोज नहीं मिलता है। समय कम है, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा कि RSपुरा की धरती विश्व प्रसिद्ध बासमती की धरती है। संजोग से मैं बासमती का कोई ज्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन एक ऐसे परिवार से संबंध रखता हूं कि जम्मू में गिने चुने लोग ही थे जिन्होंने बासमती के ऊपर कारोबार किया। मैं भी एक उसी परिवार से हूं। जम्मू में एक प्रसिद्ध राइस मिल थी, महालक्ष्मी राइस मिल, मैं उसी परिवार से हूं। तो उस समय क्या था कि RSपुरा में चाहे बद्री शाह हो जहाँ राज शाह हो, बद्री शाह जी का पोता जो है अमित जी भी जहाँ बैठे हुए हैं, हमें ये देखना पड़ेगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि RSपुरा में चाहे कोटली शाहदुल्ला है, जहाँ बस्ती गुलाबगढ़ है, जहाँ अब्दुलिया का इलाका है, दो बातों के ऊपर हम लोग बड़ा ध्यान देते थे कि इसका साइज और एरोमा। हमें ये मैपिंग भी करनी पड़ेगी कि क्या इसके अलावा चाहे बासमती जो है कठुआ में भी हो रही है, सांबा में भी हो रही है। दो तीन बातें हैं, चिनाब का पानी लग रहा है, साइज 6.5 mm से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो सुगंधी जा रही है क्या है, इसके ऊपर करना पड़ेगा। अभी जो फोकस है माननीय प्रधानमंत्री जी का, आज से 8 साल पहले कुछ शब्द चर्चा में आए थे, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, तो लोग कहते थे ये क्या वर्ड्स हैं, ये क्या स्लोगन है। और हम लोग भी पढ़े लिखे भी सोचते थे भाई ये समझते तो थे मतलब, लेकिन ये चीज़ें होंगी कैसे। लेकिन आज आप सभी लोग देख रहे होंगे, हमारे साथ ही देख रहे हैं, किस तरह से स्टार्टअप्स में रिवोल्यूशन आ रहा है। और इस यूनिवर्सिटी के सर 56 विद्यार्थियों ने अपने अपने उद्यम शुरू किए हैं, उन्होंने इंजीनियरिंग की हो, फूड टेक्नोलॉजी की हो, वेटनरी की हो। और 3 जब ये पल्ली में सर कार्यक्रम हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे पल्ली गांव में, तो एक एग्जीबिशन लगाई गई थी, हम भी खड़े थे, बहुत सारे वायसराय साहब अपने अपने स्टॉल्स पे थे। वो कहीं नहीं रुके, जहां ये स्टार्टअप थे जिसमें 3 स्टार्टअप हमारी यूनिवर्सिटी के भी थे, वहां उन्होंने 2.5 मिनट इस चीज़ की चर्चा की थी। तो इससे परिलक्षित होता है कि उनके जहन में, उनकी प्राथमिकताओं में जो स्टार्टअप है, अपना उद्यम शुरू करना कितना बड़ा प्राथमिकता है। और जो आज ये कार्यक्रम हो रहा है दिल्ली में, वो भी स्टार्टअप्स को पूरे देश से बुलाया गया है और उसका उद्घाटन वो खुद करेंगे, खुद वहाँ जाएंगे, और 3 स्टार्टअप सर उसमें भाग लेने के लिए हमारी यूनिवर्सिटी के भी गए हैं। ये बड़ी गर्व की बात है।
क्योंकि आपकी मिनिस्ट्री इस चीज को देख रही है, आपकी कमेटी इस चीज को देख रही है, तो हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से कुछ ऐसी चीजें यहाँ शुरू हों जो हमारे युवा हैं, कम पढ़े लिखे हैं, 10+2 हैं या ग्रेजुएट भी हैं, उनको किस तरह से हम प्रशिक्षित करके उनकी कैपेसिटी डेवलप करके उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लाया जाए, एक ये आज के दिन की शुरुआत हो सके। किसान परिवारों के उत्थान के लिए हो या फिर कृषि क्षेत्र के लिए हो, जो ध्यान दिया जाना चाहिए था शायद वो ध्यान दिया नहीं गया था, जिससे कि हमारे किसानों का मनोबल जो है वो गिरता जा रहा था, हमारे किसान जो है वो गरीब होते जा रहे थे, रोजगार के साधन ढूंढने के लिए किसी और क्षेत्र में जा रहे थे, और कृषि के प्रति भी जो रुचि रहती है वो रुचि नहीं रह पा रही थी। लेकिन हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और ऐसा अगर लोगों का स्वभाव बन गया तो फिर तो बहुत मुश्किल और परेशानियों का सामना इस देश को करना पड़ेगा। लेकिन मैं ऊपर वाले का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जिन्होंने समय रहते लोगों के सहयोग से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को देश का नेतृत्व करने का समय जो है जो मौका जो है वो प्रदान किया, उन्हें किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए, उनका थोड़ा सा सहयोग करने के लिए, और खेतीबाड़ी के समय जो थोड़ी सी इमदाद किसान को चाहिए उसके लिए जो उन्होंने किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाते योजना चलाई, जिसके तहत साल भर में 6,000 और ऐसे ही 2,000 की 3 किस्तें जो है वो किसानों के खाते में डालते हैं।